हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बार फिर से होली की बहुत ही टेस्टी स्पेशल और इंस्टेंट बनने वाली थाली, जिसमें घर में रखे इंग्रेडिएंट्स से आप इन्हें बनाकर तैयार कर लेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सोयाबीन, क्योंकि हम सोयाबीन करी बनाएंगे और सोयाबीन से ही हम पुलाव भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को बॉईल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये सोयाबीन का एक पैकेट ले लिया है। इसका हमें पूरा पैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, हाफ ही करेंगे हम। तो इसे हम निकाल लेते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, तो आप इन्हीं से बनाइएगा, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बहुत ज़्यादा च्यूई नहीं बनते। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 गिलास पानी ले लिया है। पानी को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। पानी गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे हमारे सोया चंक्स। तो मैंने 2 कटोरी के लगभग लिए हैं। आप कोई भी अपनी 1 कटोरी सेट कर लीजिए और उससे आप डाल दीजिए। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से, आपके घर में कितने रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इन्हें बनाइएगा। तो अब इन्हें हम अच्छी तरह से बॉईल हो जाने देंगे। हम इसमें नमक, तेल या कुछ भी चीज़ नहीं डालनी है। 5 मिनट के अंदर ही ये बॉईल हो जाता है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फूल कर आए हैं। इन्हें अब एक छन्नी में हम निकाल लेते हैं। ठंडे पानी से इन्हें अच्छी तरह से धोकर थोड़ा सा स्क्वीज कर लेंगे हम। सोयाबीन हमारे रेडी हो चुके हैं, तो अब हम बनाएंगे मखनी ग्रेवी, क्योंकि हमें बनानी है सोयाबीन करी। तो पानी को डाल दिया हमने यहाँ पर 2 गिलास। पानी के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 6 से 7 कलियाँ लहसुन की। मिर्च डाल देंगे, तो मैं यहाँ पर ढेर सारी डाल रही हूँ और मैंने अदरक का टुकड़ा भी डाल दिया है। ये देखिए मैंने मिर्च बहुत सारी ली है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 2 से 3 मैंने यहाँ पर प्याज ली है और प्याज थोड़ा हल्का सा बॉयल हो जाए, इसके बाद हमने डाल देना है टमाटर। तो मैंने यहाँ पर टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टमाटर लिए हैं। इस तरह से आप इनको कट करें, छोटे मोटे जैसे चंक्स में कट करना हो। तो अब इन्हें हम बॉईल होने देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से टमाटर हमारे बॉईल हो गए हैं, प्याज अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब इसके साथ में हम डाल देंगे इसमें 10 से 15 काजू। तो इसे में जो हमारी ग्रेवी है बहुत ही रिचनेस आएगी। और इसे छोड़ देते हैं बॉयल होने के लिए। जब तक कि हमारे टमाटर प्याज बॉयल हो रहे हैं, हम यहाँ पर दूसरे बर्तन में हमने लिया 2 चम्मच तेल, इसमें डाल दिया हमने 1 टीस्पून जीरा, 2 कटी हुई मिर्च। बहुत ज़्यादा खड़े मसालों का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। और अब हम चढ़ा रहे हैं पुलाव। तो यहाँ पर मैंने ले लिए 20 से 25 काजू। आप यहाँ पर किशमिश या फिर जो मन चाहे वो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये देखिए काजू भी अच्छे से थोड़े से भून गए हैं। तो 1 कटोरी हमने मटर डाल दिए हैं, ये कच्चे मटर हैं, हल्का सा ही भूनना हमें, बहुत ज़्यादा कुक ना करें। अब हमने इसमें डाल दिया है 1 कटोरी हमारी जो बॉयल की हुई, हमने स्क्वीज करी हुई जो सोयाबीन रखी थी ना, उसे भी हमने डाल दिया है और इसे भी हमें अच्छा सा भून लेना है। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम ही रखा हुआ है। तो सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से भून गई हैं। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी चावल को अच्छी तरह से धोकर रख लिया था, तो वो अच्छी तरह से सोख हो चुका है ये देखिए। और उसी के हिसाब से हमने पानी डाल दिया है। तो 2 कप में 4 कप पानी डालें आप, चावल की आप अलग अलग रिचनेस होती है, तो उस हिसाब से पानी डालें। चावल डालने के बाद आप इसमें बहुत ही अच्छा एक बॉयल आने दें, इसके बाद ही आप इसे कवर करें। तो ये देखिए अब हमने इसमें नमक डाल दिया है। बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, सिंपल रहे, टेस्टी रहे और हेल्दी रहे। तो मैंने इसमें बहुत खड़े मसाले नहीं डाले, कोई भी मैंने इसमें इंडियन मसाले नहीं डाले। तो आप भी इसी तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें एक बॉयल आ चुका है। अब हम इसे कवर कर देंगे। तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर ही चावल कुक हो जाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देने हैं आप। अब हम बना रहे हैं यहाँ पर काजू मटर मखाना की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच घी। सबसे पहले हम इसमें हमारे काजू को थोड़ा सा गोल्डन होने तक सेक लेंगे और इसके साथ में हम बाद में मखाने डालकर सेकेंगे। ये सब्ज़ी बहुत ही रिच और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर मैं तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये 2 कटोरी मखाने भी डाल दिए हैं। सभी चीज़ें अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाएं, इसके बाद ही मैंने बाहर करना है। तो मखाने हमारे अच्छी तरह से भुन चुके हैं, इन्हें ठंडा होने छोड़ देते हैं। मिक्सी के जार में हम डाल देंगे 2 हमने यहाँ पर मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, 4 से 5 लहसुन की बड़ी बड़ी कलियाँ और 4 से 5 टमाटर। इन सभी को अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुका है। आप इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। अब हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुका है ये देखिए। तो अब हम इसको साइड में रख देंगे, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो झटपट से हमारा पुलाव रेडी हो चुका है।
मसाला हमने पीस लिया था, अब हम डाल देंगे इसमें 1 से 2 चम्मच तेल, जीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, इसके साथ में थोड़ी बहुत राई भी है जो बाय चांस आ गई है तो आप इसमें जीरा ही डालें। अगर आपको यहाँ पर खड़े मसाले पसंद हैं तो आप तेज़पत्ता, डोना या फिर बड़ी इलायची, छोटी इलायची वगैरह ऐड कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये जो हमारा पिसा हुआ पेस्ट था ना प्याज लहसुन और टमाटर का, वो ऐड कर दिया है। इसे बहुत ही अच्छी तरह से हमें भून लेना है। मसाला जितना बढ़िया भूनता है ना सब्ज़ी उतनी ही टेस्टी बनती है। अब इसके साथ में ही हम डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, रेड चिल्ली पाउडर यानी कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर 2 से 3 टीस्पून, और हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 2 से 3 चम्मच। तो मसाले आप अपने क्वांटिटी और हिसाब से डालें क्योंकि सभी का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को मसाले पसंद होते हैं, किसी को नहीं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, किसी को बहुत कम, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मसाले कम ज़्यादा कर लें। अब हमने डाल दिया इसमें नमक और अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक कि हमारी टमाटर, प्याज और जो भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से ना भुन जाए। तो इन्हें मिक्स करके अब बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ दें और अच्छी तरह से कुक होने देंगे। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ग्रेवी पक चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे मटर, तो कच्चे मटर डाल रहे हैं हम, तो इसके साथ में थोड़ी सी ग्रेवी और कुक होगी तो जो ये मसाले हैं ना बहुत ही इन्हेंस होके आएंगे, तेल रिड्यूस हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारे मटर और ग्रेवी दोनों ही कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच भर के अमूल की फ्रेश क्रीम, आप यहाँ पर घर की क्रीम भी ले सकते हैं, इससे बहुत ही रिचनेस आएगी क्योंकि फेस्टिवल में बहुत ही मसालेदार और बहुत ही टेस्टी कुजीन बनता है। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आपको पसंद आने वाला है। तो अब हमने इसमें क्रीम डाल के भी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। क्रीम को भी हम बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाने देंगे। तो ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारे काजू और मखाने, आप यहाँ पर कुछ पनीर के क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हम इसमें और कुक करेंगे। तो ग्रेवी डालकर हमने अच्छी तरह से इसे कुक कर लिया है, काजू भी हमारे अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसमें डाल दिया कसूरी मेथी और सब्जी हमारी हो गई है डन। तो अब हमने जो मखनी ग्रेवी के लिए जो प्याज और टमाटर को सॉफ्ट होने के लिए छोड़ा था, ये बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, काजू भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे और एक मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाना है। पेस्ट हमने बना लिया है। अब कढ़ाई में डाल दिया हमने 3 चम्मच तेल, इसमें हमने डाल दिया है 1 मुट्ठी भर कर कसूरी मेथी, 2 से 3 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है रेड चिली कश्मीरी वाली, और 1/4 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है। इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूने, नहीं तो जो मिर्चें हमारी वो काली पड़ जाएगी और फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हमने ये जो पेस्ट बनाया था इसमें हमने बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं किया है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन हमने कोई भी खड़े मसाले इसमें नहीं ऐड किए थे। तो ये पूरी की पूरी ग्रेवी हमारी बहुत ही स्मूथ है। अब बहुत ही अच्छी तरह से इसे हमें भून लेना है। पहले से हमारा टमाटर, प्याज और बहुत ही सारी जो हमने मसाले डाले थे वो सब कुक हैं, तो इसलिए हमको इसको बहुत देर तक कुक नहीं करना पड़ेगा। तो बस हल्का सा साइन आ जाए इतना ही हमें कुक करना है। अब हम इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक जितना आपको लगे उतना आप डाल दें अपने स्वाद के अनुसार, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा सा हम इसे कुक होने देते हैं। गैस का फ्लेम अब यहाँ पर आप हाई कर सकते हैं क्योंकि ग्रेवी हमारी बस कुक होनी है और सब्जी डन हो जाएगी। तो ये देखिए ग्रेवी बहुत ही अच्छी तरह से एक उबाल ले चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे कुछ ये प्याज, तो आप इस तरह से ज़रूर डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्ज़ी। आप यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने केवल प्याज डाले हैं। और अब हमारा जो हमने सोयाबीन उबाल कर स्क्विच करके रखा हुआ था ना वो भी इसमें ऐड कर देंगे। एक बार आप इस तरह से सोयाबीन की सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, इतनी सॉफ्ट, इतनी क्रीमी टेक्सचर की और इतनी लाजवाब कि बिल्कुल आपको बार बार बनाने का मन करेगा। और अब हमने इसमें डाल दिया है 1/4 कप अमूल की फ्रेश क्रीम, आप यहाँ पर दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, घर की मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप कर देना है। सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है और बस अब आप इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डालकर इसको फिनिश कर दीजिए।
सारी चीज़ें बहुत ही झटपट से बन गई हैं, बहुत ही टेस्टी बनी हैं। लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच केचप। इसके जो टेस्ट है ना बहुत ही इन्हेंस होके आएगा। आप यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगी आपको कि आप केचप ही डालें। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर, टेक्सचर और एक अलग ही लेवल की सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है ना वो हो जाता है। तो बस अब हमारी सब्ज़ी हो चुकी है डन। इसके ऊपर हम डाल देंगे धनिया का पत्ता और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी। और अब हम बनाएंगे नान, क्योंकि थाली में रोटी पूड़ी नान या जो भी चीज़ आपको बनानी हो वो आप बना सकते हैं। तो सब्ज़ी में हमने धनिया पत्ता डाल दिया है, सभी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं और अब हम लगा लेते हैं नान बनाने के लिए आटा। तो मैं बना रही हूँ बटर नान तवा पराठा, या रोटी भी बोल सकते हैं आप। तो मैंने ले लिया यहाँ पर 2 कप आटा, ये 500 ग्राम के लगभग है। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। अब सिंपल सा हमें जैसे कि रोटियों का आटा लगाते हैं बिल्कुल इस तरह से गूंद लेना है। आप चाहें तो यहाँ पर आधा मैदा आधा आटा भी कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से हम गूंद लेंगे जिस तरह से हम रोटियों के लिए गूंदते हैं। आटा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से गूंद गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर और इसको 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट होने के लिए। पाँच मिनट हो चुके हैं, आटे को थोड़ा सा नीट कर लेते हैं और आप छोटी बड़ी मोटी जैसी चाहे वैसी रोटियां बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ बटर नान, वो भी घर के जो घरेलू तवा होता है उसमें। तो बस सिंपल से मैंने एक लोई कट कर ली है, हल्का सा आटा रेस्ट करेंगे और इसे हम बेल देंगे। शेप आपके ऊपर है, गोल बनाना चाहें गोल बनाएं, ट्रायंगल बनाएं या फिर जैसा शेप चाहें, इसमें कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से इसे बेल दिया है पतला पतला। अब इसके ऊपर हम पानी लगा देंगे जिससे कि हमारे तवे में अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। तो ये देखिए हमने इसमें पानी लगा दिया है। तवे को हमने बहुत ही अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया था। अब झटपट से हमारी नान बनकर तैयार हो जाएगी। तो बहुत ही अच्छी तरह से नान बन गई है। इसके ऊपर हमने लगा दिया है बटर और थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर धनिया का पत्ता। तो हमारी बिल्कुल मार्केट जैसी बटर नान बनकर तैयार हो गई है। सभी चीज़ें बनकर तैयार हो चुकी हैं। मैंने यहाँ पर असेंबलिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने दही, थोड़ा सा मैंने मीठे में केक रखा है, सैलेड रखा है, पापड़ रखा है। तो इस वाली आप इस थाली को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सभी को सब बहुत पसंद आने वाला है। अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके भी बताइएगा और इसी तरह की और भी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएँ और ऑल पर ज़रूर प्रेस करें जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। इस रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी मुझे बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।